हेलो स्टूडेंट वेलकम टू स्वाति क्लासेस आज हम देखेंगे सेवन स्टैंडर्ड का साइंस लेसन नंबर सेवेंटीन इफेक्ट्स ऑफ लाइट लेसन को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस चैनल पे आपको सेवन स्टैंडर्ड के साइंस हिस्ट्री सिविक्स एंड मैथ्स के भी वीडियो मिलेंगे तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं वेन सन रेज पास थ्रू अ ग्लास प्रिजम वॉट आर द कलर्स इन द बैंड ऑफ लाइट सीन ऑन दी अदर साइड ऑफ द प्रिजम तो देखिए स्टूडेंट आपने स्कूल में अगर एक्सपेरिमेंट ये देखा होगा तो आपको पता है कि प्रिज्म जो होता है उसमें से अगर सन रेज को पास किया जाता है तो उसके अपोजिट साइड में हमें क्या दिखता है सेवन लाइट्स दिखते हैं क्योंकि जो सन रेज होता है सन रेज में कितने कलर्स होते हैं तो सेवन कलर्स होते हैं जो कि हमें रेनबो में दिखते हैं तो उन सेवन कलर से ही सन लाइट बनता है जो कि हमें वाइट कलर का दिखता है तो अगर हम प्रिज्म से देखिए अगर इस तरीके का प्रिज्म है इसमें अगर सन लाइट पास किया जाएगा तो यहाँ पर आपको कितने कलर्स दिखाई देंगे सेवन जो कि हमें रेनबो में दिखाई देते हैं तो यहाँ पे आपको याद ये रखना है कि सनलाइट फिर अगर हमें व्हाइट कलर का दिखता है फिर भी उसमें कितने कलर होते हैं सेवन कलर यू हैव लर्न दैट लाइट इज कम्पोज ऑफ सेवरल कलर्स यू मस्ट हैव हैल्सो सीन द डस्ट पार्टिकल्स इन अ बीम ऑफ सनलाइट एंटरिंग द हाउस थ्रू अ स्मॉल विंडो जैसे कि आपने ये ऑब्जर्व किया होगा आपके घर में अगर विंडो होती है तो विंडो से अगर सनलाइट अंदर आती है घर में तो आपको उस लाइट में पार्टिकल्स दिखेंगे डस्ट पार्टिकल्स हमें दिखाई देते हैं तो यहाँ पे रीजन क्या है देखिए कि जो हम लाइट देख पाते हैं वो किस कारण दिख पाते हैं जैसे कि हमारे अराउंड जो भी एयर होती है एटमोस्फियर में तो उस एयर में डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं और जब सनलाइट इन डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर पड़ती है और ये डस्ट पार्टिकल पार्टिकल्स क्या होते हैं इधर उधर उनके कारण जो यहाँ पे लाइट होती, वो होती है वो मतलब तो सन लाइट जब यहाँ पे हमें अगर दिखती है, विंडो से अंदर आ रही है तो वहां पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको डस्ट पार्टिकल्स दिखाई देंगे कार वन वी ड्राइव थ्रू फॉग देखिए जैसे ठंडी के दिन होते हैं तो वहां पे आपको अगर रोड पे आप कार से अगर ट्रेवल

वी सी ए वराइटी ऑफ शेड्स ऑफ कलर्स इन द अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग स्काई जैसे आपने देखा होगा अगर मॉर्निंग में जब सनराइज होता है या फिर सनसेट होता है तो उस टाइम में स्काई में अगर आप देखोगे तो कई सारे कलर्स आपको दिखते हैं जैसे कि येलो है ऑरेंज है रेड कलर है इन द फोटोग्राफ्स टेकन फ्रॉम स्पेस बाय सेटेलाइट द अर्थ एपेयर्स टू बी ब्ल्यूश वॉट इज द कॉज ऑफ ऑल दीज इफेक्ट्स कि हम लोग जैसे देखिए आपने कभी फ़ोटोग्राफ देखे होंगे यहाँ पे भी आपको दिया हुआ है फ़ोटोग्राफ तो स्पेस से अगर यहाँ पे पिक्चर लिया जाता है हमारे अर्थ का तो इस तरीके से हमें ब्लूइश कलर में दिखाई देता है तो ये जो कॉज हो रहे हैं या फिर हमें जो डिफरेंस दिखाई दे रहे हैं कि स्काई के कलर चेंज होते हैं या फिर हमारे अर्थ का कलर ब्लूइश दिख रहा है तो ये सारी चीज़ें क्यों होती है यही हमें इस लेसन में देखना है स्कैटरिंग ऑफ लाइट तो स्कैटरिंग का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट बिखरना या फिर फैलना कि लाइट किस तरीके से बिखरती है या फिर फैलती है तो यहाँ पे आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है जिसके लिए एपरेटस आपको लगेंगे ग्लास बीकर डायड लेजर मीस लेज़र पॉइंटर जैसे कि यहाँ पे आपको पिक्चर में दिया हुआ है उसके बाद वाटर मिल्क और मिल्क पाउडर स्पून और ड्रॉपर तो ये एपरेटस आपको लगने वाले हैं नेक्स्ट आपको दिया है कि प्रोसीजर आपको करना क्या है टेक अ क्लियर वाटर इन ए ग्लास बीकर पास अ बीम ऑफ लेजर रेस थ्रू इट चेक वेदर द बीम इज सीन इन द वॉटर तो यहाँ पर करना क्या है कि इस तरीके से क्लियर वाटर आपको बिकर में लेना है लेजर पॉइंटर से आपको क्या करना है यहाँ पर लाइट हमें यहाँ पर आनी चाहिए वाटर में और देखना है कि पानी में हमें लाइट दिखाई देती है या फिर नहीं देती है नाव यूज अ ड्रॉपर टू एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क टू दी वाटर एंड स्टेयर तो उसके बाद हमें क्या करना है जो भी हमने मिल्क लिया है फिर मिल्क पाउडर लिया है उसको इसमें पानी में ऐड करना है और उसके बाद स्टेयर करना है द वॉटर विल बी सीन टू हैव बिकम अ स्लाइडली टर्बीड तो अगर हम इसमें मिल्क या फिर मिल्क पाउडर को ऐड करेंगे तो हमें वाटर टर्बिड मतलब देखिए पहले अगर हम सिर्फ पानी लेंगे तो हमें प्लान क्लियर वाटर दिखेगा लेकिन इसमें अगर मिल्क और मिल्क पाउडर अगर हम यूज़ करेंगे तो टर्बिड मतलब कुछ पार्टिकल्स स्लाइडली उसका कलर चेंज हो जाएगा उसमें कुछ पार्टिकल्स हमें नज़र आएंगे इस तरीके से दिखाई देगा ना पास द लेजर बीम इन टू इट अगेन और उसके बाद अगेन हम क्या करेंगे यहाँ पे लाइट को यहाँ पे वाटर में आने देंगे अ लाइट बीम विल शो दस ऑफ लाइट रेस तो यहाँ पे आपको क्या नजर आएगा कि हमें लाइट का बीम भी दिखेगा और यहाँ पे थोड़ा सा लाइट फे आ, मतलब क्या दिखेगा कि फैला हुआ है या फिर पानी में आपको लाइट अच्छे से दिखाई देगी रेज लाइट रेज अ लाइट बीम इज़ नॉट सीन इन अ प्लेन वाटर बट इज़ क्लियरली सीन इन स्लाइटली टर्बिड वाटर अगर हम प्लेन वाटर लेंगे तो उसमें हमें क्लियरली लाइट नहीं दिखाई देता है लेकिन यहाँ पर अगर हम मिल्क या फिर मिल्क पाउडर को ऐड करते हैं और वाटर यहाँ पे टर्बिड हो जाता है तो उसमें हमें क्लियरली लाइट दिखाई देता है द लाइट रेज हीट द टाइनी पार्टिकल्स ऑफ मिल्क एंड गेट स्कैटर तो यहाँ पे क्या रीज़न है कि जिसके कारण टर्बिर वाटर में हमें लाइट दिखाई देता है देखिए अगर हमने वाटर में यहाँ पे मिल्क को ऐड किया है तो इसके कारण क्या होगा कि मिल्क के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इस वाटर में होंगे जिसके कारण हमें वाटर टर्बिर दिखाई दे रहा है तो जब यहाँ पे लाइट को हम पास करेंगे तो ये पार्टिकल जो होते हैं ये क्या होंगे इसके ऊपर लाइट हीट होगी और ये जो पार्टिकल्स है ये फैल जाएंगे तो इन पार्टिकल्स के कारण ही वो लाइट क्या होती है स्कैटर मतलब फैल पाती है और वही लाइट फिर हमें दिखाई देती है तो ये रीज़न है यहाँ पे इफ़ दिस स्कैटर रेज एंटर आवर आइज वी परसीव दी लाइट और यही लाइट जब आ, क्या होती है रिफ्लेक्ट होती है उन टाइनी पार्टिकल्स को हीट करके ये स्कैटर होती है लाइट और रिफ्लेक्ट होकर हमारे आँखों तक पहुँच पाती है तो उसके कारण ही परसीव मतलब हम लोग देख पाते हैं परसीव का मीनिंग क्या होगा कि हम देख पाएंगे कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो मिल्क के होंगे यहाँ पे तो उनके ऊपर अगर लाइट यहाँ पे क्या होती है स्कैटर होगी इनको हीट करेगी और उसके बाद स्कैटर हो फैल जाएगी और यही लाइट फिर क्या होती है रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक अगर आती है तो हमें लाइट क्लियरली दिखाई देगा तो ये रीजन होता है यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे इंस्टेड ऑफ यूजिंग मिल्क मिक्स सॉल्ट शुगर एंड डिटर्जेंट पाउडर इन सेपरेट बिकर्स ऑफ वाटर एंड ऑब्जर्व ऑब्जर्वर लेजर बी मिस इन दिम तो ये एक्टिविटी आप करके देख सकते हो कि आ, मिल्क की जगह पे आप सॉल्ट शुगर डिटर्जेंट पाउडर को यूज़ कर सकते हो वेन द सन राइजेस अवर सराउंडिंग्स अपेयर इल्यूमिनेटेड अगर सनराइज होता है सुबह सुबह सन आ जाता है तो उस टाइम हम देखेंगे कि इल्यूमिनेट मतलब चमक हमें ब्राइटनेस दिखाई देता है उजाला दिखाई देता है द एंटायर स्काई अपेयर ब्राइट तो पूरा स्काई जो है वो क्या दिखाई देता है हमें ब्राइट दिखाई देता है उजाला दिखाई देता है दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ़ द डस्ट एंड ऑर् टाइनी पार्टिकल्स इन द एयर तो देखिए सन रा सनराइज जो आते हैं वो हमें क्यों दिखाई देते हैं या फिर पूरे हर जगह पर हमें उजाला क्यों दिखाई देता है जब सनराइज होता है तब तो जो डस्ट या फिर टाइनी पार्टिकल्स एयर में प्रेजेंट होते हैं उनके ऊपर ये सनराइज पड़ता है और फिर ये डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर ये लाइट क्या होती है स्कैटर हो जाती है फैल जाती है हर जगह पे और वही पार जो लाइट है हमारे आंखों तक पहुंच पाती है जिनके कारण हम उस लाइट को देख पाते हैं सन रेज को दिस इज द स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट बाय द टाइनी पार्टिकल्स ऑफ द वेरियस कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ एयर तो हमारे एयर में कई सारे कॉन्स्टिटेंट्स होते हैं ये हमें पता है और टाइनी पार्टिकल्स होते हैं डस्ट पार्टिकल्स होते हैं तो उनके ऊपर लाइट गिरने के कारण लाइट स्कैटर होती है और फिर हमें लाइट दिखाई देती है हैड देयर बीन नो एटमोस्फेयर द स्काई वुड हैव एपर डार्क ड्यूरिंग द डे एंड अब कोर्स द सन वुड बी डायरेक्टली सीन तो एटमोसफेयर पर जहाँ पे इस तरीके के पार्टिकल्स वगैरह नहीं होंगे तो वहाँ दिन में भी क्या होगा डार्क दिखाई देगा दिस हैड बीन वेरीफाई बाय ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द रॉकेट्स एंड सैटेलाइट विच गो आउट ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर तो ये उन्होंने वेरीफाई कर दिया है नेक्स्ट अगेन आपको एक एक्टिविटी दी गई है एपरेटिस और टेबल लैंप विद अ हंड्रेड बैट मिल्क बल्ब एल ई डी विल नॉट डू तो एल ई डी यहाँ पे यूज नहीं करना है मिल्की बल्ब जो आता है उसे यूज करना है थिक ब्लैक पेपर स्टिकिंग टेप अ पैकिंग नीडल हंड्रेड एंड हंड्रेड और टू हंड्रेड एम एल ग्लास बिकर मिल्क और मिल्क पाउडर ड्रॉपर स्पून एक्सेट्रा तो ये सारे एपरेटिस आपको लगने वाले हैं प्रोसीजर क्या है कवर द माउथ ऑफ़ द लैम्प शेड प्रॉपरली विथ अ ब्लैक पेपर जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है तो ये होगा टेबल लैम्प इसके यहाँ पे हमें क्या करना है ब्लैक पेपर को लग, लगाना है यूजिंग स्टिकिंग टेप प्रिक अ होल ऑफ वन टू टू मिलीमीटर डायमीटर इन द सेंटर ऑफ द पेपर और यहाँ पे हमें क्या करना होगा नीडल के यूज से हेल्प से यहाँ पे होल करना होगा जो कि वन टू टू मिलीमीटर इतना होना चाहिए विद द हेल्प ऑफ पैकिंग नीडल टेक क्लियर वाटर इन द बीकर और यहाँ पे जो हमने बीकर लिया है इसमें हमें क्लियर वाटर लेना है नेक्स्ट क्या करेंगे लाइट द बल्ब एंड प्लेस द बीकर इन अ कॉन्टैक्ट विद दी होल कि यहाँ से हमें इस तरीके से इस बीकर को रखना है कि जो यहाँ पे हमने होल किया है वहाँ से लाइट यहाँ पे बीकर में पास होना चाहिए ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रंट एंड एट एंड एंगल ऑफ नाइन्टी डिग्री और यहाँ पे हमें क्या करना होगा फ्रंट से भी इसे ऑब्जर्व करना है उसके बाद नाइन्टी डिग्री से भी इसको क्या करना होगा ऑब्जर्व करना होगा नाउ एड टू थ्री ड्रॉप्स ऑफ मिल्क टू दॉटर एंड स्टेयर ऑब्जर्व अगेन उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे इसमें मिल्क को एड करेंगे कुछ ड्रॉप्स पानी में और उसके बाद ऑब्जर्व करेंगे अ फ्यू मोर ड्रॉप्स ऑफ मिल्क में हैव टू बी एडेड टू मेक द वॉटर टर्बिन जैसे पहले हमने एक्सपेरिमेंट में देखा था उसी तरीके से हमें क्या करना है इस वाटर में मिल्क को ऐड करना है और वाटर को टर्बिड बनाना है अ ब्लू टीज इज सीन वेन ऑब्जर्व अलॉन्ग द 90 डिग्री एंगल्स जब हम लोग 90 डिग्री के एंगल से इसे ऑब्जर्व करेंगे तो हमें थोड़ा सा ब्लूइश कलर दिखाई देगा दिस इज द स्कैटर ब्लू लाइट तो ये किसके कारण होगा क्योंकि यहाँ पे जो लाइट पास हो रहा है इसमें ब्लू कलर सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड होगा जिसके कारण हमें ये ब्लूइश कलर का दिखाई देगा अ रेड येलो लाइट इज सीन फ्रॉम दी फ्रंट एंड द होल एपियर रेडिश तो यहाँ पे अगर जहाँ पे हमें लाइट दिख रहा है वहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमें रेड येलो लाइट दिखाई देगा और यहाँ पे अगर पानी के अंदर हम देखेंगे तो हमें ब्लू कलर दिखाई देगा क्योंकि जो लाइट यहाँ पे पास हो रही है उसमें सबसे ज़्यादा ब्लू कलर क्या हो रहा है यहाँ पे पानी में स्कैटर्ड हो रहा है जिसके कारण हमें पानी में कौन सा कलर दिखाई देगा ब्लू कलर दिखाई देगा नेक्स्ट देखेंगे इफ अ फ्यू मोर ड्रॉप्स ऑफ मिल्क आर एडेड द रेडिश कलर सीन फ्रॉम द फ्रंट बिकम्स एन अ इंटेंस रेड अगर और भी ज़्यादा मिल्क हम इसमें ऐड कर देंगे ड्रॉप्स तो यहाँ पे हमें जो रेड येलो कलर दिखेगा वो इंटेंस रेड कलर दिखाई देगा हाउ एवर इफ मेनी मोर ड्रॉप्स आर एडेड द रेडिश कलर इज नॉट सीन वाई इज दिस सो अगर और भी ज़्यादा अगर यहाँ पे हम मिल्क ड्रॉप्स को ऐड करेंगे तो हमें रेडिश कलर नहीं दिखाई देगा तो ऐसा क्यों होता है तो यह आगे हम देखेंगे सनलाइट इज कैटर बाय द मॉलिक्यूल ऑफ गैसेज लाइक नाइट्रोजन ऑक्सीजन इन द एटमोस्फियर तो जैसे पहले भी हमने देखा तो सनलाइट स्कैटर क्यों होता है जो कि एटमोसफेयर में जो भी गैसेस है जैसे कि नाइट्रोजन है ऑक्सीजन है तो इनके कारण क्या होता है, जो molecules है उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके ऊपर लाइट गिरने के कारण क्या होता है लाइट स्कैटर होता है द ब्लू कलर इन दी सन लाइट इज स्कैटर द मोस्ट एंड फॉर द स्काई एपेयर ब्लू तो यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन आता है कि स्काई ब्लू कलर का ही क्यों होता है क्योंकि सनलाइट में सारे कलर्स होते हैं जो कि हमें पता है तो जब ये स्कैटर होता है लाइट एटमॉस्फेयर में जो कि एयर में हमारे जो कॉन्सेंट्रेंट नाइट्रोजन ऑक्सीजन उनके मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनके ऊपर सनलाइट गिरने के कारण जब ये स्कैटर होता है तो उसमें ब्लू कलर जो होता है ये सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है सबसे ज़्यादा फैलता है ब्लू कलर जिसके कारण हमें स्काई जो है वो किस कलर का दिखाई देता है ब्लू कलर का दिखा दिखाई देता है सनलाइट रिचेस अस थ्रू द लेयर ऑफ द एटमोसफेयर तो सनलाइट जो आता है वो डायरेक्टली हमारे पास आता है क्या नहीं तो एटमोस्फेयर के जो भी लेयर है उनके थ्रू आता है एट सन सेट द लाइट रीचिंग अस ट्रैवल अ ग्रेटर डिस्टेंस थ्रू द एटमोस्फियर तो सबसे ज़्यादा जो डिस्टेंस होता है जब सनसेट होता है तो उस लाइट का डिस्टेंस हमारे तक जो है वो ग्रेटर डिस्टेंस हो जाता है थ्रू द एटमोस्फियर ड्यू टू द ग्रेटर डिस्टेंस देर इज अ मोर स्कैटरिंग ऑफ द ब्लू कलर तो उस टाइम क्या होता है कि ब्लू कलर सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है एज अ रिजल्ट द रेड येलो लाइट रिचेज अस डायरेक्टली एंड द सन एपियर्स रेड और फिर इसी कारण अगर हम शाम को देखेंगे तो सन जो है हमें काफ़ी रेड येलो कलर का दिखाई देता है और आसमान में अगर हम देखेंगे तो हमें ब्लू कलर दिखाई देता है रेड लाइट इज़ स्कैटर लेस दैन ब्लू लाइट क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि रेड लाइट जो है कम स्कैटर होता है दैन द ब्लू कलर तो इसके कारण इसके कारण क्या होता है जो सन है हमें क्लियरली रेड येलो कलर का दिखाई देता है नेक्स्ट पेज पे देखेंगे वॉट इज़ शैडो एंड हाउ इज़ अ शेडो फॉर्म तो देखिए स्टूडेंट पहले के स्टैंडर्ड में भी आपने ये देखा होगा कि शेडो किस तरीके से फॉर्म होती है तो एंड शेडो क्या होती है जैसे कि देखिए किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब लाइट गिरती है और उस ऑब्जेक्ट से अगर लाइट पास नहीं हो पाती है तो हमें शेडो दिखाई देती है तो ये रीज़न तो आपको पता होगा कि शेडो क्या होती है और शेडो क्यों फॉर्म होती है लेकिन उसके बारे में और भी डिटेल हमें यहाँ पे देखना है द शेडो ऑप्टेंट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स एंड एक्सटेंडेड सोर्स कि पॉइंट सोर्स क्या है या फिर एक्सटेंडेड सोर्स है शेडो किस तरीके से दिखाई देती है ये हम देखेंगे तो इसके लिए हमें एपरेटस लगने वाले हैं कैंडल या फिर टॉर्च को यूज़ कर सकते हैं कार्डबोर्ड स्क्रीन स्मॉल बॉल एंड बिग बॉल एक्सेट्रा टेक आदर अ कैंडल और टॉर्च एज अ लाइट सोर्स तो एज अ लाइट सोर्स हम यहाँ पे कैंडल को भी यूज़ कर सकते हैं या फिर टॉर्च को यूज़ कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ इट सेटअप कार्डबोर्ड और इसके सामने हमें क्या करना है इस तरीके से कार्डबोर्ड को लगाना है विथ अ टाइनी होल जिसमें छोटा सा होल होना चाहिए एज शोन इन द फिगर जैसे कि हमें यहाँ पे डाइग्राम में दिया हुआ है नाउ द लाइट इज सीन टू एमर्ज फ्रॉम द होल ऑन दी कार्डबोर्ड और यहाँ पे इस तरीके से कार्डबोर्ड को हमें लगाना है तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा देखिए कि जो यहाँ पे होल हमने किया हुआ है इस कार्डबोर्ड के ऊपर इसमें से जो लाइट है ये यहाँ पे हमें कार्डबोर्ड के ऊपर दिखाई देगी डायरेक्टली टू एमर्ज फ्रॉम द होल ऑन दी कार्डबोर्ड सच अ लाइट सोर्स इज कॉल्ड पॉइंट सोर्स तो ऐसे जो लाइट एक पॉइंट से ही यहाँ पे लाइट क्या हो रही है स्कैटर्ड हो रही है हमें दिखाई दे रही है तो ये क्या होगा पॉइंट सोर्स होगा प्लेस अ स्क्रीन वर्टिकली एट अ डिस्टेंस ऑफ वन मीटर बियड तो ये जो हमने आगे कार्डबोर्ड रखा है उसे वन मीटर के डिस्टेंस पे रखना है हैंग द बिग बॉल बिटवीन द स्क्रीन एंड द कार्डबोर्ड तो ये जो रहेगा बी जो आ, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये रहेगा हमारा स्क्रीन और ये रहेगा हमारा कार्डबोर्ड इसके बीच में हमें यहाँ पे क्या करना है बॉल को हैंग करना है उसके बाद हम देखेंगे ऑब्जर्व द शेडो ए बी ऑफ दी बॉल तो इस बॉल की जो शेडो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगी इसे नाम दिया गया है ए बी तो इस शेडो का आपको क्या करना है ऑब्जर्व करना है द रेज ओ पी एंड ओ क्यू स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट सोर्स जस्ट पासिस बाय दी बॉल एंड फॉल ऑन द पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द स्क्रीन रिस्पेक्टिवली जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया है लाइट सोर्स को कैंडल लिया है तो यहाँ पे जो लाइट है ये पूरे कार्डबोर्ड पे आएगी लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक होल होने के कारण इस होल के थ्रू क्या होगी लाइट पास होगी और यहाँ पे बीच में हमने बॉल लगाया है तो बॉल के थ्रू तो लाइट पास नहीं होगी तो साइड से यहाँ पर क्या होगी इस तरीके से लाइट रेज क्या होगी पास हो जाएंगे जो हमें यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई देंगे एट पॉइंट ए और एट पॉइंट बी यहाँ तक कि लाइट पास होगी लेकिन बॉल के यहाँ से बॉल के थ्रू तो लाइट पास नहीं होगी तो यहाँ पर हमें इस तरीके से क्या होगी शेडो दिखाई देगी However, since no rays reach the screen between the points A and B, that part remain unlit. Unlight. This is the dark shadow or the umbra. तो यहाँ पे light जो है ball बीच में आई है तो ball के through तो हमें यहाँ पे light pass होते हुए नहीं दिखाई देगी तो इसके कारण यहाँ पे क्या दिखाई देगी हमें shadow दिखाई देगी Clearly हम देखेंगे यहाँ पे कि जो यहाँ पे दिख रही है आपको क्या दिखाई दे रही है shadow तो ये डार्क होती है तो इसे क्या कहा जाता है उमरा इस शेडो को क्या कहा जाएगा उमरा एंड वॉट हैपन्स इफ द कार्डबोर्ड विद द पिन होल इज रिमूव अगर हम ये जो पिन होल वाला कार्डबोर्ड है इसे अगर निकाल देंगे तो फिर क्या होगा ना वी डू नॉट हैव अ पॉइंट सोर्स तो हमें इस पॉइंट से नहीं आ, मतलब यहाँ पे जो लाइट है एक छोटे से पॉइंट से आ रहा है अगर कार्डबोर्ड को हम यहाँ से निकाल देंगे तो लाइट जो है पूरी तरीके से आएगा एक पॉइंट से नहीं आएगा तो इसे क्या कहा जाएगा दिस सोर्स इज कॉल्ड एंड अ एक्सटेंडेड सोर्स तो फिर डायरेक्टली अगर हमें कैंडल से यहाँ पे लाइट मिलेगी तो ये क्या हो जाएगा एक्सटेंडेड सोर्स अगर एक सिर्फ पॉइंट से यहाँ पे लाइट आ रही है तो उसे कहा जाएगा पॉइंट सोर्स तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे व्हाट इज द नेचर ऑफ द शेडो फॉर्म बाय एक्सटेंडेड सोर्स फिर एक्सटेंडेड सोर्स अगर रहेगा तो उस टाइम कौन से शेडो हमें दिखाई देगी जैसे कि पॉइंट सोर्स में सिर्फ हमें डार्क शेडो एक ही शेडो दिखाई देती है जिसे हम उम्रा कहेंगे तो नेक्स्ट देखेंगे कि एक्सटेंडेड सोर्स के कारण यहाँ पे क्या हमें डिफरेंट दिखेंगे ड्यू टू द एक्सटेंडेड सोर्स वी सी टू पार्ट्स इन द शेडो ऑफ द बॉल ऑन दी स्क्रीन तो यहाँ पे हमें दो शेडो दिखाई देंगी जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है तो इस तरीके से अगर बॉल है इसके ऊपर जो लाइट गिरने वाली है डायरेक्टली आएगी क्योंकि यहाँ पे पॉइंट नहीं है डायरेक्ट सोर्स यूज हो रहा है तो हमें दो शेडो यहाँ पे नजर आएगी एक तो ये वाली है ए डी और ये यहाँ पे बी सी तो दो शैडो आपको दिखाई देंगी जिसमें ये जो बीच वाली जो दिख रही है आपको ए डी तो ये डार्क होगी और साइड में जो आपको दिख रही है ये थोड़ी सी फेंट लाइट कलर की आपको दिखाई देगी तो इसे क्या कहा जाएगा जो बी सी है जो साइड वाली है जो फेंट है इसे क्या कहा जाएगा पेनुमरा कहा जाएगा और जो डार्क पार्ट है ए डी वाला इसे कहा जाएगा उमरा तो ये डिफरेंसेस आपको याद रखने हैं और नाम भी याद रखने हैं क्योंकि ये आगे, आगे आपको काम आने वाले हैं लेट अस सी व्हाट हैपन्स इन द फॉलोइंग एक्टिविटी वेन द बॉल इज़ बिगर दैन द एक्सटेंडेड सोर्स अगर यहाँ पे और एक एक्टिविटी अगर हम करते हैं कि जो बॉल हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो एक्सटेंडेड सोर्स से बिगर है अगर टॉर्च है देखिए यहाँ पे अगर हमने टॉर्च लिया है और टॉर्च से ज़्यादा बड़ा हमने यहाँ पे बॉल को यूज़ किया है तो फिर क्या होगा ये हमें देखना है एज द स्क्रीन कीपिंग द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सटेंडेड सोर्स एंड द बॉल कॉन्स्टेंट मूव द स्क्रीन फर्दर एंड फर्दर अवे एंड ऑब्जर्व द शेडो एट द स्क्रीन वूज फर्दर द उम्रा एंड द पेन उम्रा इन द शेडो ऑफ द बॉल आर सीन टू बिकम बिगर एंड बिगर तो इससे क्या होगा कि अगर हमने uh, बॉल जो है यहाँ पे बढ़ा लिया है टॉर्च से भी तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो शेडो जो है हमें अगर इससे थोड़ा सा मूव करेंगे हम एक्सटेंडेड सोर्स है और यहाँ पे अगर हम कार्डबोर्ड को आगे लेके जाएंगे तो हमें जो शेडो दिखाई देगी वो क्या होगी बिगर एंड बिगर दिखाई देगी नाउ रिप्लेस द बिग बॉल विथ वन दैट इज स्मॉलर इन साइज दैन द लाइट सोर्स लाइट सोर्स जो भी है यहाँ पे टॉर्च है इसे छोटा वाला हमें बॉल यहाँ पे लेना है एंड उसके बाद हमें शेडो दिखनी है देखने है वी सी द उमरा एंड पेनुमरा ऑफ द बॉल ऑन इट तो हमें यहाँ पे क्या दिखाई देगा उमरा एंड पेनुमरा जैसे हमने देखा कि डार्क शेडो भी दिखाई देगी और उसके अराउंड जो लाइट कलर की शेडो uh, दिखा लाइट शेडो दिखाई दे वो भी हमें दिखाई देगा नाउ विदाउट मूविंग द लाइट सोर्स एंड द बॉल मूव द स्क्रीन फर्दर अवे फ्रॉम द बॉल एंड ऑब्जर्व शेडो तो जो कार्डबोर्ड है इसे आपको क्या करना है थोड़ा सा दूर लेके जाना है एज द स्क्रीन मोज फर्दर दुमरा बिकम स्मॉलर उम्र मीन्स क्या जो बीच वाला जो था डार्क पार्ट जो था वो हमें नहीं दिखा कम छोटा छोटा होता जाएगा एंड अ सर्टन पॉइंट इट डिस और एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जहाँ पे हमें जैसे कि यहाँ पे कार्डबोर्ड दिखाई दे रहा है यहाँ पे हम इस तरीके से आगे लेके जाएंगे तो एक सर्टन पॉइंट में ऐसा होगा कि हमें यहाँ पे नहीं दिखाई जो मतलब डार्क पार्ट है उम्र जिसे हम कहेंगे वो डार्क शेडो हमें नहीं दिखाई देती है तो कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ आपको दिए हुए हैं कि एक्सटेंडेड सोर्स क्या है पॉइंट सोर्स क्या है उसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं और प, आ, उम्रा पेन उम्रा क्या होता है जैसे कि डार्क शेडो होती है और फेंट कलर की भी शेडो होती है तो ये आपको देखना है तो ये सारी चीज़ें हमने इसलिए देखी क्योंकि हमें आगे जो इक्लिप्स दिए हुए हैं कि वॉट इज़ एन एकिप्सेस सोलर इक्लिप्स क्या होता है लूनर इक्लिप्स क्या होता है तो वहाँ पे हमें ये सारे टॉपिक्स जो हमने देखे वो काम आने वाले हैं तो आगे हम देखेंगे एक्लिप्स है लेकिन इसको हम देखेंगे सेकेंड पार्ट में तो सेकेंड पार्ट को भी ज़रूर देखिए स्टूडेंट क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आपको जोग्राफी में आने वाला है सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स तो इसे सेकेंड पार्ट जो बनेगा तो उसको भी ज़रूर देखिए और अभी तक जो हमने देखा है वो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए